हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 9, लेसन नेम किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। लास्ट टॉपिक जेसुइट एट द मुगल कोर्ट। मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में ये जेसुइट जो हैं ये कब आए हैं। जेसुइट हैं कौन? 11th क्लास में हमने पढ़ा था 15th सेंचुरी के बाद क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन जो रिलीजन है, ईसाई धर्म जो है, वो दो पार्ट में बट गया था, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक के जो फॉलोअर्स हैं वो ही कौन है? जेसुइट। कैथोलिक रिलीजन को फिर से कंसोलिडेट करने के लिए 15 सेंचुरी के बाद यूरोप के अंदर बहुत सारी सोसाइटी बनी थी, और सोसाइटी ऑफ जीसस का काम क्या था कि कैथोलिक रिलीजन को फिर से उसी पोजीशन पर लेके आना जो पहले था। यहाँ इसके जो फॉलोअर हैं वो कौन है? जेसुइट हैं। ये जेसुइट इंडिया में कब आए? इनका सबसे पहले रास्ता पुर्तगीज लोगों ने ओपन कर दिया था जब 1498 में वास्को डी गामा एटलांटिक सी को क्रॉस करता हुआ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सहारे चलता हुआ फिर मेडिटेरियन सी रेड सी को क्रॉस मेडिटेरियन सी और रेड सी यूरोप से चला है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ साथ जो है ना वो अरेबियन सी में आया और उसके बाद इंडिया में वो पहुंच गया। पुर्तगाल का ये ट्रेवलर 1498 गोवा के अंदर। उसके बाद यहाँ पर 1542 के टू में ये मिशन जो ना इंडिया में आया है। इस मिशन का एम क्या होता था? पुर्तगीज और स्पेनिश रूलर जो मेनली यूरोपियन कंट्री में से दो ऐसे कंट्री हैं जो हमेशा पहले किसी भी चीज़ की जानकारी लेने के लिए ये मिशन जो है वहाँ जाता था। कौन सा? जेसुइट मिशन। और ये केवल रिलीजन ही नहीं फैलाता था बल्कि ये जो है ना वहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करता था किसका? ट्रेडिंग का। और इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर ये लोग पुर्तगीज जो रूलर था उनका इंटरेस्ट क्या था कि वहाँ पर इन लोगों को जो है ना भेज कर वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन ले कर के आना। पहले तो क्या है कि ये उस किसी भी बाहर के किसी भी कंट्री के एरिया को अपने कंट्रोल में कैसे लाते थे? मिशन के द्वारा, मशीनरीज, धर्म फैला करके, क्रिश्चियनिटी फैला करके, फिर अपना ट्रेड करने लग जाते थे, फिर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी देखते थे। ऐसा ही उन्होंने इंडिया में किया और गोवा को इसी तरह अपने अंडर में लिया। बाद में यूरोपियन पावरफुल जो कंट्री है इंग्लैंड, उसने अपने इंडिया को इसी तरह अंडर में ले लिया था। इस तरह कौन है ये? सोसाइटी ऑफ जीसस के फॉलोअर हैं जिसे हम जेसुइट कहते हैं। यहाँ पर एक मिशन आया तो अकबर बड़ा इंटरेस्ट रखता था इस मिशन को सुनने के लिए, इसलिए उसने जेसुइट जो प्रिस्ट थे उनको इनवाइट किया और उनको फतेहपुर सीकरी में बुलाने के लिए वहाँ पर उसने क्या किया, अपनी एम्बेसी जो है ना गोवा में भेजा और वो फिर गोवा में उनको लेकर के आए, कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और वो मिशन फतेहपुर सीकरी के अंदर 2 ईयर्स तक रहा और यहाँ पर वो अकबर से मिलते रहे। अकबर से उन्होंने बात की और बात अकबर के साथ अकबर में इतना बढ़ गया कि यहाँ पर जो है ना कुछ उलेमा के साथ
जो है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनके बढ़ गए थे। यहाँ पर फिर अकबर ने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी से जब लाहौर बना ली और वो लाहौर चले गए, तो वहाँ पर भी ये मिशन दो बार अकबर की कोर्ट में पहुँचा, 1591 और 1595। इससे पहले फतेहपुर सीकरी में कब गया था, 1580। यहाँ पर आपको चार सन इम्पोर्टेंट हैं, 1542 मिशन का आना, 1580 पहली बार अकबर से उनकी जो है ना मुलाकात होना, 1591 अब वो जो है ना लाहौर मिले हैं वो मिशन, 1595 फिर सेकंड लाहौर में वो गए हैं। अब ये बताते कि जेसुइट जो लोग थे, ये जो लोग थे ना, ये बादशाह का उन्होंने करेक्टर और माइंड एक पर एक तरह से बहुत गहरा इफेक्ट डाला था। कैसे, ये जब भी वहाँ पर कोई भी पब्लिक असेंबली होती थी तो रूलर इनको अपने थ्रोन के पास बैठने के लिए जगह देता था। इसके साथ साथ जब भी कोई मिलिट्री कंपेन होता था तो भी ये लोग जो है ना मिलिट्री कंपेन के साथ जाते थे। यहाँ तक कि ये बादशाह के बच्चों के ट्यूटर भी होते थे और पूरा दिन उनके साथ कंपनी भी करते थे। ये जेसुइट जो अकाउंट हैं, ये हमें उस टाइम के जो भी स्टेट के जो ऑफिसर हैं या फिर जो हम ये कह सकते हैं कि जनरल कंडीशंस वहाँ की जो मुगल टाइम की हैं, वो भी अपने अकाउंट्स में लिखते थे। बात अब आगे क्या है, द एक्सेसिबल एम्परर, ये एक सोर्स है। इस सोर्स में क्या है कि यहाँ पर जो मोन्सेरेट यहाँ का जो जेसुइट है, इस मिशन का जो मेन, वो क्या बताता है कि जेसुइट मिशन के साथ अकबर का जो मुलाकात होती है उसके बारे में कहता है, और वो बहुत आसानी से ये कहता है कि अकबर एक ऐसा रूलर था कि अकबर के साथ कोई भी वो अपॉर्चुनिटी देता था कि कोई भी कॉमन और नोबल पर्सन उससे किसी भी टाइम जो है ना मिल सकता था। इस तरह वह हर एक लोगों को एक तरह से प्लेजेंट यानी खुशियां मिलती थी अपने रूलर के साथ इस तरह मुलाकात के बाद। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन, ये हम करेंगे। मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि बेटा लेसन 5 के बाद 8 के बाद 10 जो लेसन है ये 275 to 285 पेजेस ये कट हैं, यानी ये मान के चलो 10वां लेसन जो है ये आधा है और उसके बाद 12 और 14 ये जो लेसन है अपने, ये क्या है, डिलेट हैं, ये लेसन अपने एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। फिर से सुन लो, 5th लेसन 8th लेसन 10th जो लेसन है, 10वां जो लेसन है वो 275 पेज से 285 पेज तक डिलीट है, उससे पहले आएगा, यानी ये मान के चलो कि हाफ लेसन है ये। उसके बाद लेसन 12 और 14 ये भी नहीं आएंगे, यानी 4.5 15 में से डिलीट लेसन हैं। ओके, हमने क्या कौन सा टॉपिक किया है कि जेसुइट एट द मुगल कोर्ट, मुगल कोर्ट में जेसुइट जो है कितनी आसानी से पहुंच गए, वो अकबर के बारे में ऐसा लिखते हैं कि एक बहुत ही एक्सेसिबल रूलर है, बहुत ही जहां बहुत आसानी से इसकी कोर्ट में पहुंचा जा सकता है और ये किसी से भी बात बहुत जो है ना अच्छी तरह से जो है ना करते हैं, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो नोबेल पर्सन हो चाहे वो कॉमन पर्सन हो, सबको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। सोसाइटी ऑफ जीसस
के जो फॉलोअर हैं वो जेसुइट हैं। जेसुइट इंडिया के अंदर 1542 में आए हैं, और यहाँ पर पहले जो जेसुइट मशीनरी अकबर से मिली है वो 1580 में मिली है, फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद अकबर की कैपिटल चेंज हो गई है, अकबर जो है लाहौर चले गए हैं। लाहौर में भी उसने 1591 और 1595 में इन ये जो मशीनरीज थी क्रिश्चियन मशीनरीज इनके साथ जो है ना उसने मुलाकात की है, और ये लोग बहुत ही जो है ना अपना जो इन्फ्लुएंस है वो डालने में जो है ना ये साबित हुए हैं। ये राजा के रूलर के बहुत कभी भी जब वहाँ पर पब्लिक असेंबलीज होती थी तो राजा के बिल्कुल नज़दीक इनका प्लेस दिया जाता था, स्थान दिया जाता था। ये लोग यहाँ इनके बच्चों के ट्यूटर भी होते थे, ये लोग मिलिट्री कंपनी में भी जाते थे, और ये लोग बाकी का जो टाइम है ये राजा की फैमिली के साथ स्पेंड करते थे। ये इनके अकाउंट्स में हम ये देख सकते हैं कि स्टेट्स जो ऑफिशियल हैं उनके बारे में और जनरल कंडीशन जो मुगल टाइम की थी उनके बारे में भी लिखते हैं। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। हमें पता है कि इस टाइम का जो मेन रिलीजन क्या है मुगलों का यहाँ पर वो है इस्लाम, मुस्लिम रिलीजन है। यहाँ पर फॉर्मल रिलीजन की बात किसकी है? मुस्लिम की। यहाँ अकबर ने जेसुइट मिशन के साथ जो उसके मेंबर हैं उनकी जितनी रिस्पेक्ट की है और उनसे जितने वो इम्प्रेस हुए हैं उनको देख करके ये लगता था कि इसको जेसुइट मिशन को कि अकबर हो सकता है अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले और वो जो है ना क्रिश्चियन बन जाए, उनको ये लगने जो है ना लग गया था। और वो कहते हैं कौन जो यहाँ के मेन जेसुइट हैं कौन मोनसेरेट क्या कहते हैं कि राजा को यानी अकबर को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसने उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अकबर यहाँ पर जो है ना वो क्या करते हैं, अकबर हर एक रिलीजन को सुनते हैं, इसलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर एक इबादत खाना ओपन किया है। यानी यहाँ पर सभी धर्मों के जो लीडर हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, आपस में डिबेट कर सकते हैं, आपस में जो है डिस्कशन कर सकते हैं। अकबर भी इनकी डिबेट में पार्टिसिपेट करता था, सुनता था, इसलिए अकबर ये कहता है अकबर जो है अकबर में एक मैच्योरिटी जो कहते हैं कि धर्म से लेकर के सब धर्मों की बात सुन करके यहाँ से आई है। इसलिए अकबर ने यहाँ पर इबादत खाना फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने जो इबादत खाना बनवाया है उसमें हिंदू भी हैं, उसमें यहाँ पर जैनी भी हैं, उसमें पर्शियन भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें यहाँ पर जो है ना बुद्धिस्ट भी हैं। सब धर्मों के लोग, सब रिलीजन के लोग उसमें आ सकते थे, डिबेट कर सकते थे, डिस्कशन करते थे। अकबर भी यहाँ उनकी डिस्कशन को जो है सुनता था, और इसलिए इस प्रकार उसने अपने आप को मैच्योर पाया। तभी अकबर ने एक डिसीजन लिया, क्या एक अपने नाम का रिलीजन चला जिस तरह अशोक ने अशोक धम्मा चलाया था, इसी तरह यहाँ पर अकबर ने एक रिलीजन चलाया अपने नाम का, कौन सा? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही उसने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर ये रिलीजन थोपा नहीं है। हम ये देखते हैं कि अकबर के जो नौ रत्न हैं उनमें से बीरबल और फैजी ने जो है इस रिलीजन को अपनाया था, बाकी किसी के ऊपर उसका कोई प्रेशर नहीं था। तो इस तरह यहाँ पर ये सब कुछ जो है अकबर के टाइम में हुआ था, इबादत खाना और दीन ए इलाही। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हरम में होम। यहाँ पर एक टॉपिक है, मैं आपको बता दूँ क्या है, होम इन द हरम। हरम में होम, मैंने पहले बता दिया हरम क्या है। हरम जो है ना एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है होली प्लेस। यहाँ हरम में उन्होंने एक होम बनाया है। कौन कहता है? अकबर के
कंटेम्प्रेरी एक यहाँ पर पोइट हैं जिनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी क्या कहते हैं कि अकबर ने जो है वो हरम में एक होम बनाया है, किसके लिए? क्योंकि अकबर ने बहुत सारी हिंदू जो रूलर हैं उनकी डॉटर से मैरिज की है और उनके लिए ही हरम में होम बनाया है। मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि बीरबल, यहाँ पर बदायूं कहते हैं कि बीरबल का अकबर के माइंड पर इतना ज़्यादा इफेक्ट था, उसने इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया अकबर को कि अकबर ने फायर, अग्नि और सन की जो है ना वर्शिप करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पर क्या होता है कि अकबर जो है वो सन के सामने जो है ना प्रोटोस्ट्रेट पब्लिकली जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बीरबल के से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि अग्नि अग्नि यानी आग, फायर और सन और काव, इन तीनों को की अकबर जो है ना वर्शिप करने लग गए थे। यहाँ पर बीरबल के अकॉर्डिंग अकबर डेली 1000 टाइम जो है ना यहाँ पर सन का जो है ना संस्कृत में नाम लेता है। तो इस तरह अकबर 1578 यानी जब उन्होंने थ्रोन पे बैठे अपने उसके 25 ईयर चले जाने के बाद यानी 1578 में अकबर एक सेरेमनी होम में करते हैं और वहाँ पर वो जो है ना पब्लिकली प्रोस्टेट करते हैं किसको? सन को। इसलिए संडे बड़ा इम्पोर्टेंट था उस टाइम, संडे, रविवार, रवि मीन्स सूर्य। तो यहाँ पर बी पर भी जो है अकबर ने बताते हैं कि जो है ना प्रतिबंध लगाया था। तो इस तरह ये सेरेमनी वहाँ पर चलती है और शाम के टाइम इन इवनिंग टाइम पर बदायूं कहते हैं कि अकबर जो है ना डिफरेंट टाइप की कैंडल और लैंप जो है ना हरम में जलाते हैं और इस तरह वो उस अकबर ने अपने हरम में होम बनवा रखा है स्पेशल किसके लिए? जो उसकी हिंदू क्वीन थी उनके लिए। तो बेटा मुझे होप है कि आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। जेसुइट एट द मुगल कोर्ट 1542, 1580, 1591, 1595 और क्वेश्चनिंग किसके ऊपर? फॉर्मल रिलीजन। फॉर्मल रिलीजन कौन सा है? जो अकबर का है। अकबर का रिलीजन कौन सा? मुस्लिम। तो मुस्लिम रिलीजन पर एक क्वेश्चन हो गया था, ये मानने लग गए थे कि कहीं ना कहीं अकबर ऐसा ना हो जाए कि रिलीजन चेंज कर ले, ऐसा जेसुइट मानते थे। बट अकबर ने न तो रिलीजन को चेंज किया और न ही उलेमाओं के साथ झगड़ा किया, बल्कि अपने आप को मैच्योर किया है। किस तरह? डिफरेंट जो रिलीजन है उनकी डिबेट में पार्टिसिपेट करता था और उनकी बातें सुनता था। उनकी बातों को सुन करके उनके माइंड में क्या आया कि उन्होंने एक नया रिलीजन जो ने बनाया, नेम वाज दीन ए इलाही, और किसी के ऊपर उसने उस रिलीजन को थोपा नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।